नमस्कार। सो उत्तर प्रदेश का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया था, और उत्तर प्रदेश का चूंकि भी सीट मैट्रिक्स तो आना है, पर मैंने आपको बताया था कि जो 350 सीट्स ऐड भी हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप सिर्फ यूपी को टारगेट कर रहे हैं, राइट? कि अभी 236 नंबर था, तो ऐसा नहीं है गिर के 200 पे आ जाएगा, शायद 236 ही रह जाएगा, क्योंकि जितनी नई सीटें आई हैं मोस्टली लोग अपग्रेड के लिए जाएंगे, जो सरस्वती हापुड़ के सीटें जो आई हैं, और डेफिनेटली जो उन्नाव आया है वो, और उसके ऊपर बहुत बच्चे ऐड हुए हैं जिन्होंने यूपी भरा है 2 लाख रुपए देके, तो वो बहुत सोच समझ के भरते हैं, तो वो सब प्रेशर रहेगा। और आई डोंट थिंक, जो हम पहले कह चुके शायद कट ऑफ यूपी के हिसाब से तो बढ़ी जाए, बट ऐसे ही नॉर्थ का दूसरा या पूरी इंडिया में भी देखिए, बहुत ही कम स्टेट्स इंडिया में जो 75 के पैकेज में आपको पढ़ाते हैं, उनमें से एक तो उत्तर प्रदेश है जो 26 कॉलेज देता है, और एक और स्टेट है उसके बगल में जो चाहे 4 कॉलेज देता है, वो है हरियाणा। इसके अलावा देखिए भैया, तो हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट, गुजरात क्लोज स्टेट, छत्तीसगढ़ 3 ही कॉलेज हैं, पर चूँकि सस्ता है तो कुछ ज़्यादा कट ऑफ ऊपर जाती है। देन सदर्न स्टेट्स में भी पैकेज ठीक ठाक है, बट कट ऑफ 300, 330, 340 जाती है, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, तो उड़ीसा भी क्लोज स्टेट है, बिहार तो आप जानते ही हो, तो हरियाणा इस समय ऑन है, और हरियाणा में सीट मैट्रिक्स राउंड 2 का आया, और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि जहाँ पर भी राउंड 1 फ्री एग्ज़िट है, और जहाँ पर सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपये ले जाते हैं, वहाँ तो लोग मजाक में फॉर्म भरते हैं, और वो इतना मजाक किया गया है कि एग्जैक्टली 85% सीटें खाली हैं हरियाणा के 6 कॉलेज में, एक दो में भी नहीं, जो 6 प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर आप सारा देखो तो 150 मोस्टली सीट्स होती हैं, तो साधोपुर जो नया आया है 150 में से 139 खाली हैं, 139 सोचिए, तो 90% से भी ऊपर सीटें खाली हैं। अल्फला में एक्चुअली काफ़ी सीटें भर गई बिकॉज ऑफ दी माइनॉरिटी फैक्टर, फिर भी 150 में से 99 सीटें खाली हैं। SGT गुड़गावा में 110 सीटें खाली हैं, झज्जर में 134 खाली हैं, NC में 126 खाली हैं, और आदेश में भी 116 खाली हैं। इन सब के मद्देनज़र जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं कट ऑफ को लेके, आदेश गिर के 320 से 350 के बीच में कट ऑफ उसी ख़त्म होनी चाहिए, तो ये सेफ है उस, मतलब कि 320 या 350 तक के बच्चे को तो पक्का मिल जाएगा, और हो सकता है थोड़ा सा और गिर के 330 तक आ जाए आदेश। आदेश 330 आएगा तो SGT या मान के चलिए 280 तक आ सकता है राउंड 2 में ही, 270 भी आ सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब नीचे, तो 270 टू 280 मान के चलिए SGT को। साधोपुर बहुत हालत टाइट होने वाली है उसकी, और कोई बड़ी बात नहीं कि साधोपुर 220 पे गिर जाए, अल्फला बीच में रहेगी, अल्फला भी देखिए मेरे हिसाब से स्पेशली फॉर नॉन माइनॉरिटी अच्छा करेगा, और शायद सेम SGT के बराबर लेगा, 280 के आसपास ही कट ऑफ। NC मेडिकल कॉलेज पानीपत, वो शायद आपको 220-230 में मिले। साधोपुर और झज्जर दोनों 200 के आसपास स्ट्रगल करेंगे, साधोपुर शायद भाई 190-200 के बीच में कट ऑफ हो, और झज्जर भी मेरे को उम्मीद है कि कम से कम 200 के नीचे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 170-180 के आसपास भी आ सकता है। सो जो लोग भाई लो स्कोर वाले हैं, और जिनको ये होता है कोई भी सीट चलेगी, क्योंकि कई लोग मेरे वीडियोज़ देख कर ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको झज्जर नहीं जाना या हमको उन्नाव नहीं जाना, और मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करूँ। कभी लोग मुझे फ़ोन करते हैं सर 160 है, क्या सीट मिलेगी, फिर मैं बताता हूँ झज्जर, तो लोग कहते हैं अरे सर तो आप ही दूसरे वीडियो में उसके बाद तारीफ़ें कर चुके हो, तो मैं कहता हूँ आपने ऑप्शंस पूछी थी, मैं थोड़ा कह रहा हूँ वहाँ जाओ या मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, राइट? तो इसके हिसाब से है ये ऑप्शंस, और आप देखिए। तो हरियाणा बेसिकली उनके लिए अच्छा है जो, जैसा मैंने बोला, जिसको 70-72 के बजट में काम निपटाना है, इंडिया में ही पढ़ना है, जो नेपाल नहीं जाना चाहता इन स्पाइट ऑफ गेटिंग गुड कॉलेजेस देयर, तो आई थिंक हरियाणा का फॉर्म आपको भरना चाहिए, आज लास्ट डेट है, अभी भी फॉर्म खुला हुआ है, क्योंकि हरियाणा में आपकी जगह नैया पार लग जाएगी, और आपको कोई भी सीट चलती है वो भी कम बजट में, तो हो सकता है कि आपको 170-180 में आराम से झज्जर एलोकेट राउंड 2 में हो जाए, थोड़ा और भी नीचे गिर सकता है, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि UP ने काफ़ी मामला साफ कर दिया है 236 वालों का ना, तो 170 तक भी झज्जर आ सकता है, तो जो लोग भाई लो स्कोर वाले थे जिनको कोई भी एक सीट पकड़नी है वो भी कम बजट में, तो आप हरियाणा फॉर्म जरूर भरिए, सारे ऑप्शन भरेंगे तो सत्य कि आपको सीट निकल जाए आराम से इसमें। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, यू नो हमारी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, कॉल अस ऑन 9643362320। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट कॉल भी हमारे यहाँ पेड कॉल है, आप कॉल करेंगे आपको कॉल बैक आएगा जिसमें आपको स्लॉट दिया जाएगा, एंड यू हैव टू पे अवर फी थ्रू Paytm और फ़ोनपे और GPay, और फिर आपको स्लॉट दिया जाएगा मुझसे बात करने का। MBBS इंडिया की सारी काउंसलिंग, सारी बातें आप मुझसे डायरेक्ट करते हैं,
एज ए कंपनी ऑफ जीके वर्स हम 6-7 काम करते हैं, हम MBBS अब्रॉड भी करते हैं, हम नॉर्मल स्टडी अब्रॉड करते हैं, US, UK, कैनेडा वगैरह भेजना, हम करियर काउंसलिंग करते हैं जेनरिक, हम प्रीमियम काउंसलिंग करते हैं, हार्वर्ड स्टैनफर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में भी हम बच्चों को गाइड करते हैं जाने के लिए, और उसमें मेरे पास टीम्स हैं, बट MBBS इंडिया इज समथिंग दैट आई डू पर्सनली एंड आई स्पीक टू यू पीपल पर्सनली, आई स्पीक टू ऑल माई क्लाइंट्स पर्सनली एंड आई एम इन टच विद ऑल माई क्लाइंट्स पर्सनली. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट विशेस कि अब आपको सीट मिलनी शुरू हो, सब स्टेट्स के राउंड टू के रिजल्ट आएंगे और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ऑप्टिमल सीट राउंड टू एंड थ्री में मिलती है, राउंड वन की सीट हमेशा अक्सर जल्दबाजी की सीट होती है. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.